जालौन की आटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए जालौन के एसपी स्वप्निल ममगाई ने बताया कि पिछले कई दिनों से जनपद के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी की कई सूचनाएं आ रही है, जिसको लेकर समस्त थानाध्यक्षों को जल्द से जल्द बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में आटा थानाध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि यूपी इलाहाबाद ग्रामीण बैंक के पास कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने छापेमारी कर तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उनके पास से तीन बाइक बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए तीनों चोरों से निशानदेही पर 7 बाइक और बरामद की। पकड़े गए चोरों ने बताया कि वह क्षेत्र से बाइक चुरा कर दूसरे जनपद में 5 से 10 हजार रुपए में बेच देते थे। एसपी स्वप्निल ममगाई ने बताया कि एक शातिर चोर अंशु मौके से भाग गया था, इसको पकड़ने का प्रयास चल रहा है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, जैसा कि विगत कुछ दिनों में आप लोगों ने भी पाया कि नगर क्षेत्र में खासतौर पर उड़ई वाहन चोरी व अन्य प्रकार की चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। इस संबंध में हम लोग एक कार्य योजना पे काम कर रहे थे पिछले लगभग 15 दिनों से। थाना आटा द्वारा की गई है, इनको एक सूचना मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग हैं जो कि पुरानी बाइक का नेम प्लेट बदल के नए सिरे से उसको बेचते हैं। मुखबिर की सूचना पे इन्होंने दो लोगों को मौके पे पाया और बहाने से बाकी दो लोगों को भी बुलाया कि भाई हम और उसमें इन्होंने रेकी की और सादे में एक बहाने से बुलाया कि हम खरीदना चाहते हैं बाइक्स। तो जब चारों लोगों को सूचना की गई और वहाँ बुला लिया गया, उस वक्त एक ऑपरेशन के तहत इनकी धरपकड़ की गई। उसमें से तीन लोग मौके पर पकड़े गए, एक फरार हो गया। इन लोगों से लगभग 10 बाइक्स, चोरी की बाइक्स बरामद हुई हैं अलग अलग मॉडल्स की, और साथ ही साथ इनके पास से 2 मास्टर कीज़ और अन्य उपकरण जिससे ये गाड़ियों की चाबी खोला करते थे। काफ़ी ज़्यादा ये लोग एक्टिव अपराधी हैं और अब इन गाड़ियों को लिंक किया जा रहा है जहाँ जहाँ से थानों पर चोरी हुई है और इनका खुलासा करके विधिक कार्रवाई के अनुरूप वादी को।